हेलो दोस्तों, तो आज हम मिल रहे हैं न्यू रेसिपी के साथ, जिसमें हम बनाएंगे आलू से बहुत ही ज्यादा टेस्टी नाश्ता, जो कि सबको बहुत पसंद आएगा। चटपटा बनेगा, क्रिस्पी बनेगा, मसालेदार बनेगा। तो आप भी बना के ट्राई जरूर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो नाश्ता बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं उबले हुए आलू। तो नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले आलू को हमें अच्छे से मैश कर लेना है। आप चाहें तो ग्रेटर से ग्रेट कर सकते हैं, चाहे तो इसे अच्छे से कद्दूकस भी कर सकते हैं, जिससे कि इसमें लम्स नहीं रहेंगे, मोटे मोटे नहीं रहेंगे ये। तो हम इसे कद्दूकस कर लेंगे अच्छे से। तो आप देख सकते हैं सारे आलू मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिए हैं। और अब इसमें हमें कुछ मसाले तो सबसे डालने। पहले हमें इसमें डालना है 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच डाल देना है चाट मसाला, और आधा चम्मच हमें डाल देनी है लाल मिर्ची पाउडर। और अब इसमें हमें कुछ वेजीज ऐड करनी है, तो इसमें हम डाल देंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 बारीक कटा हुआ प्याज। और एक डाल देंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, और थोड़ा सा हरा धनिया डाल लेना है बारीक कटा हुआ, और इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब सारे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स कर लेने हैं हमें। तो आप देख सकते हैं आलू हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं, मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। इसे रखेंगे साइड में, और एक बड़ा बर्तन ले लेना है हमें, और इसमें डाल देना है हमें बेसन। तो ये मैंने 1 बाउल बेसन ले लिया है, ये सारा इसमें डाल देंगे। और अब इसमें हमें डाल देना है आधा चम्मच नमक, और 1/4 चम्मच हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च। थोड़ा सा हमें इसमें डाल देना है जीरा, और थोड़ा सा डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अब इसे हमें इसमें अच्छे से मिक्स कर देना है मसालों को, और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक घोल तैयार कर लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। आप देख सकते हैं बेसन का घोल हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है, इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब इसे हमें साइड में रख देना है ढक के, और अब हमें हमारे मसालेदार आलू ले लेने हैं। हाथ में लगाना है थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा ऑयल हम हाथ में अच्छे से लगा लेंगे, जिससे कि हाथ में हमारे आलू चिपकेंगे नहीं। थोड़ा थोड़ा चम्मच से लेंगे, और आप इसे जिस शेप में बनाना चाहें उस शेप में बना सकते हैं। मैं इसे सिलेंड्रिकल शेप दे रही हूँ। तो आप देख सकते हैं एक मैंने बना के तैयार कर लिया, इसे हम प्लेट में रखते जाएंगे। और इसी तरह हमें दूसरा बना के तैयार करना है। थोड़ा सा लेंगे और इसे हमें तो आप देख सकते हैं दूसरा भी मैंने बना के तैयार कर लिया, और इसी तरह सारे बना के तैयार कर तो आप देख सकते हैं सारे मैंने बना के तैयार कर लिए। हमारा बेसन का घोल भी बिल्कुल तैयार हो गया है, कंसिस्टेंसी देख सकते हैं आप। और अब हमें एक एक लेना है और इसमें डिप कर लेना है अच्छे से। तो एक लेंगे और अच्छे इसमें से कवर डिप कर कर देना देना। है चारों तरफ से, और उठा के ऑयल मैंने गरम रख दिया था, ऑयल अच्छे से गरम हो गया है, और उसमें डाल देना है इसको। तो ऑयल मैंने गरम रख दिया था, अच्छे से गरम हो गया है। अब वो जो हमने डिप किया था बेसन में, वो अच्छे से हमें इसमें डाल देना है। और दूसरा लेना है और वो इसमें डिप कर लेना है अच्छे से, और वो भी हमें उठा के डाल देना है इसमें। और एक बार में जितने आएंगे हम इसमें डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं एक बार में जितने आए मैंने डाल दिए, इन्हें अभी छेड़ना नहीं है। हल्का हल्का इसके ऊपर ऑयल डालते जाना है। तो आप देख सकते हैं एक साइड से अच्छे से सिक गया है, इसे हमें पलटते रहना है, और दूसरी साइड से भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने देना है, क्रिस्पी होने देना है थोड़ा।
आप देख सकते हैं दोनों साइड से अच्छे से सिक गए हैं, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इन्हें हमें प्लेट में निकाल तो आप देख सकते हैं हमारा क्रिस्पी करारा टेस्टी नाश्ता बनके तैयार हो गया है। बहुत टेस्टी बना है, बहुत कम टाइम लगा और सॉस के साथ भी टेस्टी लगता है। ग्रीन चटनी के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। सॉस की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।